What's up, beautiful people? आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों एक ऐसा अनोखा धमाकेदार शोडाउन जो है सिर्फ और सिर्फ सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान के बीच में। बिल्कुल सही समझे आप। Get ready for the next battle. लेकिन इस बार जो है ना ये फैसला आपके खुद के हाथ में है। कौन बनेगा असली बॉलीवुड का किंग या बादशाह ये डिसाइड करेगी आपकी खुद की टीम। कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, स्किल्ड है और पॉपुलर है। अफेयर्स से लेकर स्किल्स तक, कार से लेकर नेटवर्क तक, एजुकेशन से लेकर मार्शल आर्ट्स तक, हर एक चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं और यही साबित करेगा कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन सा है। अब मैं आपको बता देता हूं गाइज कि ये सिर्फ एक नॉर्मल कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला है, ये है एक अल्टीमेट चैलेंज। आपके फेवरेट का फ्यूचर अब आपके हाथ में है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको मान के चलना है। वो रूल ये है कि अगर आप इस एपिक बैटल में हिस्सा लेना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं तो आपका सब्सक्राइबर होना मस्ट है, क्योंकि सिर्फ एक सब्सक्राइबर का वोट ही गिना जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका वोट काउंट नहीं होने वाला। गाइज आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट आपको सब्सक्राइब करेंगे अगर आप, तब आप कमेंट करो, देन आपका वोट काउंट होगा और आपके जो हीरो है ना फेवरेट, उनके जीतने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। और आपके हीरो से ज्यादा जिम्मेदार अब आपको बनके दिखाना है, उनकी जीत अब आपके हाथ में है। सो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो और जो टीम जीतेगी, जिसका धमाकेदार कमेंट सबसे ज्यादा लाइक्स ले जाएगा, वही बनेगा आज का असली किंग। कमेंट सेक्शन में आपको वोट करना है, सलमान या शाहरुख। और अब शुरू करते हैं ये एक रेस। सो गाइस सबसे फर्स्ट हम आज बात करेंगे अफेयर्स एंड रिलेशनशिप्स के बारे में। यस, सलमान खान की पर्सनल लाइफ में काफ़ी अफेयर्स रहे हैं। उनका नाम ऐश्वर्या राय के साथ काफ़ी समय तक जुड़ा रहा, लेकिन उनका ब्रेकअप काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। उसके बाद उनकी कैटरीना कैफ के साथ भी रिलेशनशिप हुई, जहां दोनों की केमिस्ट्री ने ऑडियंस का दिल जीता। सलमान का नाम संगीता बिजलानी और सोमी अली के साथ भी जुड़ा है, लेकिन उनकी बीवी अभी तक कोई बन नहीं पाई है। अगर बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान की फैमिली काफ़ी स्ट्रांग है। उनकी वाइफ हैं गौरी खान और उनके तीन बच्चे हैं सुहाना, आर्यन और अबराम। उनका नाम पूजा बेदी और दीपिका पादुकोण के साथ भी एक दो बार लिया गया है, लेकिन उनकी गौरी के साथ की रिलेशनशिप उनकी लाइफ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। सो गाइस आप मुझे ये बताओ, आपको कौन सी एक्ट्रेस सलमान खान के साथ एक परफेक्ट जोड़ी जो है उनकी लगती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताएं। अब आ जाते हैं दूसरे पड़ाव पर, जो है स्किल्स एंड एजुकेशन। स्किल्स की बात करें तो सलमान खान ने अपनी एक्टिंग करियर के लिए कोई फॉर्मल एक्टिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से सीखा है, ये हम सब जानते हैं, एक्सपीरियंस गेन किया है। उनकी यूनिक स्टाइल और करिश्मा उन्हें अलग बनाता है। शाहरुख खान ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग ली है, यस NSD से ट्रेनिंग ली है उन्होंने, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग की स्किल्स को पॉलिश किया। उनकी वर्सटैलिटी और डायलॉग डिलीवरी है उनकी परफॉर्मेंस की सबसे पीछे जो उनका हाथ है, वो इनकी परफॉर्मेंस एंड डायलॉग डिलीवरी का रहा है, बेहद इंपैक्टफुल। अब आ जाते हैं बात, मैं आपसे ही पूछ लूँ, आपको कौन सा एक्टिंग स्टाइल जो है वो ज़्यादा पसंद है, सलमान का नेचुरल चार्म या शाहरुख खान का ड्रामेटिक फ्लेयर? यस कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब आ जाते हैं गाइस, जो बहुत आप लोग बहुत बेसब्री से वेट करते हैं, वो है कार्स का। यस, कार्स की बात करें तो सलमान खान के पास लग्जरी कार्स का इम्प्रेसिव कलेक्शन है। उनके गैराज में BMW, लैंड रोवर, पोर्शे, ये तीनों गाड़ियां शामिल हैं, और भी गाड़ियां हैं। अब तो पता है उनको, अब जो सिक्योरिटी मिली उसके हिसाब से उनके पास अब एक बुलेट प्रूफ कार भी है, जो उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का दर्शन हमें करवाती हैं। शाहरुख की बात करें तो शाहरुख खान भी कार्स के शौकीन हैं। उनके पास भी BMW, Audi और बेंटली जैसी लग्जरी कार्स हैं। उनका कलेक्शन भी उनकी रिच लाइफस्टाइल को दिखाता है। सो गाइस, अगर आपको इन दोनों में से किसी की कार कलेक्शन का एक कार लेने का मौका मिले, वो कौन सी कार है जो आप इन तीनों में से चुनेंगे? सो गाइस अब आ जाते हैं नेटवर्थ के बारे में। यस, सलमान खान का नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 4,100 करोड़ है। यस, बिल्कुल सही सुना गाइस, हज़ारों में है बात। उनका करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, उन्होंने कई बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी हैं। शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान का नेटवर्थ है 7,300 करोड़। यस, यहाँ करीब करीब उनको 3,000 करोड़ से हरा देते हैं सलमान खान को शाहरुख, जो उन्हें बॉलीवुड का रिचेस्ट एक्टर बनाता है। उनका फिल्म प्रोडक्शन हाउस और एंडोर्समेंट भी उनकी वेल्थ को काफ़ी आगे बढ़ाता है। अभी आप मुझे बताओ कि आपको इन दोनों का नेटवर्थ कैसा लगता है, क्या ये उनके टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा है? सो अब आते हैं बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज़ पर बारे में। यस, बिजनेसेस एंड प्रॉपर्टीज़, ये कोई नहीं बताने वाला, ये मैं आपको बताऊंगा।
सलमान खान का अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम सलमान खान फिल्म्स है, जहां उन्होंने कई बड़ी सक्सेसफुल फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं। उनका एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो उनकी फिलेंथ्रोपी को दर्शाता है। गैलेक्सी अपार्टमेंट की कीमत की बात करें तो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स लोकेटेड है बैंड्रा में, जहां सलमान रहते हैं। ये मुंबई बैंड्रा में है और इसकी एस्टिमेटेड वर्थ है अराउंड 100 से 120 करोड़। बिल्कुल सही सुन लिया आपने। शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो फिल्म्स प्रोड्यूस करता है और वीएफएक्स का काम भी करता है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स में आईपीएल की टीम भी खरीदी हुई है, जो उनको उनके बिजनेस एक्यूमेंट को दिखाता है। शाहरुख खान के घर की बात करें तो वो बहुत वर्ल्ड फेमस है मन्नत, यस, जिनकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 करोड़। यस, 1000 करोड़ की बात नहीं है, ये अभी 100 करोड़ में आ चुके हैं उनके घर की वैल्यू, ये 1000 करोड़ भी बन जाएगा बहुत जल्दी। और मैं आपको बता दूं कि इनको शायद इनके घर को ना नेशनल धरोहर भी बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि कोई भी खरीद बेच नहीं सकता इतनी इजीली। सो क्या आपको इन दोनों के बिजनेस वेंचर्स के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता था? अगर पता था, अगर मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट करो। अब आ जाते हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग जिसका, वो है कॉन्ट्रोवर्सीज एंड अफेयर्स का। यस, कॉन्ट्रोवर्सीज का बॉलीवुड से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। सलमान खान का नाम कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रोवर्सीज में आया है। उनका हिट एंड रन केस 2002 बहुत ज़्यादा फेमस रहा, मीडिया अटेंशन को केंद्र बना के रखा इस केस ने। इसके अलावा उन्हें ब्लैक बक कोचिंग केस में 1998 में भी पकड़ा गया था, अभी पता है उसके लेकर कितनी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें उन पे इलीगल हंटिंग का इल्ज़ाम लगा था। ये केस लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी जुड़ा हुआ है और बिश्नोई कम्युनिटी के साथ उनके कनेक्शन से भी जुड़ा हुआ है। सलमान के घर पर एक दो बार, आपको पता है अभी रिसेंटली क्या क्या घटनाएं घटी, जो बहुत ज़्यादा उनके सिक्योरिटी को लेकर बात उठी थी। अब आपको पता है बाबा सिद्दीकी वाला भी कॉन्सेप्ट हुआ, जो कि बहुत गलत है। ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी, कोई भी हो, चाहे दुश्मन के साथ ही क्यों ना हो, बट ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि परिवार भी इसमें हैम्पर करता है। अब आ जाते हैं कि उनकी इन सब चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने अपने करियर पर फोकस किया। अभी बिग बॉस के सेट पर भी वो आए, इन सब होने के बाद भी काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म्स देने के बाद अभी भी वो डटे हुए हैं और हमारे लिए, बाकी लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान का नाम भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज में आया है, ख़ास तौर पर जब उन्होंने अपने फिल्म माय नेम इज़ खान के प्रमोशन के दौरान कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसे कुछ लोगों को लगा कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो उसको कॉन्ट्रोवर्शियल समझा गया। उनका एक इंसिडेंट था जब उन्होंने 2012 में वानखेड़े स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड से आर्ग्यूमेंट किया था, जो काफ़ी न्यूज़ बन गया था। उसकी वजह से उनको जो है वहाँ आने के लिए मना भी कर दिया गया था, काफ़ी लंबे टाइम के लिए बैन लगाया था। उसके बाद फिर उन्होंने वापस जाने की कोशिश की। वो हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनकी फैमिली इमेज को लेकर उनका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव है। आर्यन वाला भी जो बीच में मैटर हुआ था, वो हमेशा डट के वहाँ पर खड़े रहे। आपको क्या लगता है, कॉन्ट्रोवर्सीज एक एक्टर की इमेज को बनाती हैं या बिगाड़ती हैं? मुझे लगता है दोनों होता है, बट एक हद तक रहे ये चीज़ तो ज़्यादा अच्छी है। झूठी कॉन्ट्रोवर्सीज फैलाना कभी भी नहीं चाहिए किसी के बारे में, चाहे वो फिल्म स्टार हो या आम आदमी हो। बॉडी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, यस, फिजिकल फिटनेस एंड बॉडी स्टैट्स। सलमान खान की हाइट है 5'8" और उनका वेट कभी कभी अभी लगभग 75 kg के आसपास है, जो ऊपर नीचे होते रहता है फिटनेस के हिसाब से। उन्होंने अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए रिगरियस वर्कआउट किए हैं और उनका फिजिक काफ़ी इंप्रेसिव है। उनको देखकर कई लोगों ने बॉडी बनाना शुरू किया, हम भी उनमें से एक हैं। शाहरुख खान की हाइट जो है वो 5'8" है, ये दोनों की बराबर हाइट है, और उनका वेट जो है वो भी लगभग 75 kg है। तो ये लगभग दोनों खान्स जो है ना वो बराबर ही चल रहे हैं फिटनेस के मामले में। शाहरुख खान को पता ही, आपको, शाहरुख खान ही पहला इंसान है जिसने 8-pack abs बनाया था ओम शांति ओम फिल्म में, वो तो आपने देखा ही था। उसके बाद ही बाकी लोगों ने शुरू किया, 6-pack तक तो सीमित था, बाकी 8 का चलन उन्हें वही लेकर आए हैं। आपको कौन सा फिटनेस रेजिमेंट पसंद है ये आप मुझे बताओ, सलमान खान का वर्कआउट रेजिमेंट या फिर शाहरुख का बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल? डेब्यू की बात करते हैं गाइस, डेब्यू, यस, कैसे शुरुआत हुई? सलमान खान का डेब्यू हुआ फिल्म बीवी ओ बीवी 1988 में, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली मैंने प्यार किया, जो 1989 में आई थी। शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल फौजी से की थी, उसके बाद उन्होंने फिल्म दीवाना जो 1992 में आई सलमान खान के डेब्यू के 2-3 साल बाद, उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। आपको कौन सी फिल्म पसंद है बताओ आप, शाहरुख खान की या सलमान खान की, वो भी कमेंट करके बताओ। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की बात करें तो सलमान खान ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स फिल्म भी शामिल हैं। उनकी पॉपुलर फिल्म्स और ऑडियंस कनेक्शन उन्हें अवार्ड फंक्शन में काफ़ी बार रिकग्निशन देता है, एक बार भाई आते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। शाहरुख खान भी काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीत चुके हैं, वो तो हमेशा ही जीतते रहते हैं, कभी उनका नॉमिनेशन आ गया तो उनका जीतना पक्का है। वो
टैलेंट का पिटारा है, बॉक्स ऑफिस में सक्सेस दिलाना भाई उनके लिए चुटकियों का खेल है, उन्हें भी काफ़ी बार फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं और वो बॉलीवुड का बादशाह कहलाते हैं। सो गाइज, आपको कौन सा एक्टर ज़्यादा डिजर्विंग लगता है अवार्ड्स को लेके, हाँ, सलमान खान या फिर शाहरुख खान, ज़रूर इसको कमेंट करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सलमान वर्सेस शाहरुख का ये जो अल्टीमेट शोडाउन था, ये हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अभी असली फैसला होना बाकी है। अब सब कुछ आपके खुद के हाथ में है। सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर अपने हीरो के लिए एक धमाकेदार कमेंट करो, सलमान या शाहरुख, और जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक्स ले जाएगा वही बनेगा आज का असली बॉलीवुड किंग। सब कुछ आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक्स को बढ़ाओ अपने फेवरेट के लिए। तो अब गेम ऑन है, सलमान या शाहरुख कौन बनेगा बॉलीवुड का असली किंग, इट्स योर कॉल। चाओ।